Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Sharma Nitin, your maths teacher. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8 एंड दैट इज चैप्टर नंबर 8। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है लेकिन ये जस्ट रिकॉलिंग पार्ट है आपके क्लास 7 का, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपने क्लास 7 में इसका बेसिक जो है वो सीख चुके हो, ठीक है। उसमें फर्स्ट आपने डिस्कस किया था किसके बारे में, रेशियो के बारे में। तो रेशियो क्या हो, रेशियो किस लिए यूज होता है, रेशियो इज यूज फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड दीज क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स। सेम यूनिट का हम कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। मीन्स लीटर्स को आप लीटर से कंपेयर कर सकते हो, किलोमीटर्स को किलोमीटर से कंपेयर कर सकते हो, नॉट किलोमीटर को आप लीटर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स। ओके, ये चीज आप क्लास सेवंथ में देखकर आए हो। अगर रेशियो के मैं सिंबॉल की बात करूं, रेशियो को किस सिंबॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज टू डॉट्स। ओके, रेशियो को आप इससे रिप्रेजेंट करते थे। ओके, और इसको आप किस तरह डिफाइन करते थे, दैट इज 2:3, और इसको किस तरह डिफाइन करते थे, दैट इज 2:3, 2:3, इसको किस तरह रीड करते हैं, 2:3। रेशियो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में, दैट इज 2:3। ये चीज आपने रेशियो में देखा था, और रेशियो का सेम यूनिट तो होना चाहिए, दीज क्वांटिटीज जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उनकी सेम यूनिट होने चाहिए, बट रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, रेशियो हैज नो यूनिट। क्लियर। सेकंड चीज आपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में देखी थी परसेंटेज के लिए, ठीक है, यानी कि परसेंटेज भी एक अनदर मीन है जिससे हम क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। अब परसेंटेज होता क्या है, द परसेंटेज इज द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद 100 डिनोमिनेटर। व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट 5% मींस क्या बोला है, परसेंटेज इज द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मींस फ्रैक्शन का जो पार्ट है दैट इज 5% मैंने बोला है, जो 5 है वो आपका किसका हो गया, न्यूमिनेटर हो गया। ओके, विद ऑलवेज 100 डिनोमिनेटर, दैट इज 100, 5/100, वही चीज है, द परसेंटेज इज द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद द 100 डिनोमिनेटर। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20%, 20% क्या होता है आपका, यस 20/100, मींस ऑलवेज आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा, जितना परसेंटेज है वो न्यूमिनेटर में रहेगा, और ऑलवेज डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 100। ओके, इसके डिफरेंट वेरिएशन आपने देखे थे कि रेशियो को आप परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक रेशियो है 2:4, आपको ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल आपको पता है। ओके, इस रेशियो को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो रेशियो को पहले हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, देन हम क्या करते हैं उसका 100 के साथ, 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, 100% के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, ये चीज आपने क्लास 7 में सीखी थी। देन कट कर देते हैं 4 एंड 25, 25 4 100 एंड 25 multiply 2, दैट इज 50%। ओके, ये चेंजिंग, ये कन्वर्जन आपने देखा था रेशियो का किसमें, परसेंटेज में। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.1। क्लियर। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 km/h टू स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 km/h, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। ओके, क्या गिवन है हमें, स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 15 km/h। ओके, एंड स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 30 km/h।
क्लियर? क्या निकालना है हमें रेशियो? सो रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर. ओके, यहां पे दोनों जो क्वांटिटीज हैं, दोनों स्पीड के क्या है, सेम यूनिट्स हैं. इसका भी किलोमीटर पर आवर है, इसका भी किलोमीटर पर आवर है, देन हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, दैट्स वाई रेशियो हैज नो यूनिट्स. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेम यूनिट्स होते हैं उनके वो कैंसल आउट हो जाते हैं. ओके, देन 15 और 30 को कैंसिल करना है, 15 × 30. ओके, सो 15 × 15 एंड 15 × 30, योर रेशियो इज 1:2, एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम यूनिट्स गिवन थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में आपको वन क्वांटिटी जो है वो मीटर में है और सेकंड वन इज किलोमीटर. तो आप किलोमीटर से मीटर में आपको कन्वर्ट करना आता है. बस वन किलोमीटर में कितने मीटर, दैट इज 1000 मीटर. सो इन 10 किलोमीटर विल गेट 10 × 1000 मीटर, सो यू विल गेट 10,000 मीटर. इज इट क्लियर? ओके, सो आर रेशियो क्या होगा, 5 मीटर / 10,000 मीटर. ओके, सो मीटर कैंसल आउट. ओके, 5 × 5 × 5 × 10, दैट इज 2000. सो आर रेशियो क्या रहेगा हमारा, 1:2000. इज इट क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन इज 50 पैसे 2 रुपीज 5. 50 पैसे है, अगेन वी हैव नॉट सेम यूनिट्स. यहां पे पैसे है, वहां पे क्या है, रुपीज है. रुपीज को हम किसमें चेंज कर लेंगे, पैसे में. ओके, बिकॉज 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. सो 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 × 100, दैट इज 500 पैसे. क्लियर? अगेन सेम यूनिट हो गए आपके, ये 50 पैसे, ये 500 पैसे. ओके, सो आवर रेशियो इज 50 पैसे / 500. ओके, यूनिट्स कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल, 5 × 5 एंड 5 × 10 = 50. सो आवर रेशियो इज 1:10. ओके, नाउ और क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज. हमें गिवन रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, हमें उसे किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है. तो गिवन रेशियो को हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, देन आफ्टर हम उसको मल्टीप्लाइड बाय 100%. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. 3:4 कैन बी रिटन एज इन फ्रैक्शन इज 3/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%. क्लियर? ओके, दैट इज 4 × 4 एंड 4 से आप इसे कैंसल आउट करेंगे, दैट इज 25. एंड 25 × 3 = 75%. तो आपने रेशियो से इसे किसमें चेंज कर दिया, परसेंटेज में. क्लियर? एंड दिस इज योर आंसर. ओके, सेम हियर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज 2:3. सो फर्स्ट 2:3 को हम किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, दैट इज 2/3. ओके, 2/3 फ्रैक्शन में चेंज हो गया, देन उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 100%. ओके, ये कैंसल आउट नहीं होगा. सो 100 × 2 = 200. 200 / 3%. ओके, इसे हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से देखते हैं, 200 / 3. 3 × 6 = 18, बिकॉज 3 × 7 = 21, विच इज ग्रेटर, सो 3 × 6 = 18 - विल गेट 2 एंड दिस 0.
again 3 6 are 18, you will get 2 over here. So, our remainder is 2 and quotient is 66. So, quotient को हम कहाँ लिखते हैं? Side में and जो upon में है वो आपका upon में रहता है और जो remainder है वो आपका ऊपर. That is, इसको हमने simple fraction से किस में लिख दिया? Mixed fraction में लिख दिया. That is 66 is to 2 by 3. Okay? 66 integer 2 by 3%. Clear?